नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे पतियों के द्वारा जिनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही है, पत्नी कहती है ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तुमको डाइवोर्स दूंगी, तो ऐसी में ऐसे पतियों के द्वारा मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि क्या अब मैं अपनी पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस लगा दूं और उससे विवाह विच्छेद कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी महत्वपूर्ण सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं कि एक पति को विवाह विच्छेद के लिए डाइवोर्स का मुकदमा कब दायर करना चाहिए और कब दायर नहीं करना चाहिए, और दायर जब नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देना चाहता हूं। मेरी एक नई किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं जैसे 498A का केस, डाइवोर्स का केस, सेक्टर 9 का केस, मेंटेनेंस का केस, डीवी एक्ट का केस, उन सारे जो भी केस होते हैं और उन सारे केसों में जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं जैसे 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन, 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन, कोई भी ड्राफ्टिंग आपको करनी होती है या जो भी चीजें होती है, जो प्रक्रियाएं होती है, सारी चीजों का विस्तृत जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी पारिवारिक मुकदमा लड़ रहे हैं और सेल्फ नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ये जो किताब है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, 500 रुपए किताब का मूल्य है और 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो अगर आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके बताइएगा कि मैं किताब परचेज करना चाहता हूं, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिये, डाइवोर्स का यानी विवाह विच्छेद का जो मुकदमा लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके वैवाहिक रिश्ते हैं, जो आपके वैवाहिक अधिकार है वो समाप्त हो जाए और कोर्ट जो है वो डिक्री आपको प्रदान कर दे कि आपका जो स्पाउस है यानी आपका जो साथी है उससे आपका जो रिश्ता है वो समाप्त कर दिया जाए, जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाए। तो विवाह विच्छेद का मतलब अलग अलग होना होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, बहुत सारे पतियों के द्वारा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है तो क्या मैं डाइवोर्स केस लगा दूं। तो देखिए, डाइवोर्स केस लगाने से पहले आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीजों को मैंने अपने पुस्तक में कवर किया है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जब आपको डाइवोर्स केस लगाना चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे डाइवोर्स केस में आपकी सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाए। बाकी आज मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वही आपको बताने वाला हूं कि अगर डाइवोर्स केस लगाते समय उस चीज का आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। तो देखिए, डाइवोर्स केस जब आप लगाते हैं और उसमें आप लिखते हैं कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है या मेरी पत्नी मेरे साथ क्रुएल्टी करती है, मेरी पत्नी का इतने दिन से अलग रह रही है, डिजर्शन में रह रही है, तो ऐसे में जो भी चीजें आप न्यायालय में बोलते हैं उसे साबित करने का भार आपके ऊपर ही जाता है। अब देखिए, एक प्रोविजन है कि आपकी पत्नी साथ नहीं रह रही है, आपके पास ग्राउंड है तो आप डाइवोर्स केस कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके केस कर देने से आपको डिग्री मिल जाएगी और कोर्ट ये आदेश कर देगा कि आपकी पत्नी से आपको डाइवोर्स दिया जाता है। केस करना और केस में जीत हासिल करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब बहुत सारे पति ऐसा सोचते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, डाइवोर्स का पिटीशन लगाऊंगा और उसके बाद जज साहब मुझे डाइवोर्स की डिग्री प्रदान कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डाइवोर्स का केस करने के बाद 5-5 साल, 6-6 साल बीत जाते हैं डाइवोर्स की डिग्री मिलने में, और वो भी गारंटी नहीं होती है कि आपने जो डाइवोर्स केस किया है उसमें आपको सफलता हासिल होगी या आपका केस 5-6 साल लड़ने के बाद खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिये, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है डाइवोर्स केस में वो होता है एविडेंस। अब बहुत सारे पति होते हैं ऐसा सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ झगड़ा लड़ाई किया है, उसकी आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दी है और इसके आधार पे आप पत्नी की क्रुएल्टी साबित कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास पत्नी के विरुद्ध ठोस सबूत है जिनसे कि आप कोर्ट में साबित कर पाए कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या क्रुएल्टी में है, तभी आपको डाइवोर्स का केस लगाना है। अन्यथा यदि बिना सबूत के ही ऐसे ही जाके आप कूद पड़े और कोर्ट में जाके डाइवोर्स का केस लगा दिया तो ये मान के चलिए कि आप 3-4 साल, 5 साल केस लड़ेंगे और फिर आप केस खारिज कर दिया जाएगा, आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, आपका जो मुकदमा है वो एकदम खारिज होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपको।
तो देखिए डाइवोर्स केस लगाने से पहले पहले आपको सबूत कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही डाइवोर्स केस लगाना है। बिना सबूत के कभी भी आपको डाइवोर्स का मुकदमा नहीं लगाना है। अब अगर ये बिना डाइवोर्स केस आप बिना सोचे समझे डाइवोर्स केस लगा देते हैं, सबूतों के अभाव में ही जाके डाइवोर्स का केस लगा देते हैं, तो इसका आपको हर्जाना ये चुकाना पड़ जाएगा कि 498A के केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगा, मेंटेनेंस केस में भी आपको दिक्कत हो जाएगा, और कई साल मुकदमा लड़ने के बाद आपका केस भी खारिज हो जाएगा। तो चारों तरफ से आप नुकसान में पड़ जाएंगे। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ऐसे में आपको सबूत कलेक्ट करना है, या फिर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का केस करना है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस करना है। उसके बाद उसमें आपको डिग्री प्राप्त करनी है कि कोर्ट आपकी पत्नी को आदेश करे कि वो आपके साथ आके रहे। इसके बावजूद भी यदि आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रहती है, तब इसको आधार बना के कि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रह रही है, तो इसके आधार पर डाइवोर्स का केस आपको लगाना है, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है और डाइवोर्स मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो पहले सेक्शन 9 का केस करना है, उसका डिग्री प्राप्त करना है, उसके बाद ही डाइवोर्स का केस लगाना है। कभी भी सबूतों के अभाव में आपको डाइवोर्स का केस नहीं लगाना है। आप लगा देते हैं तो अन्य केसेस में दिक्कत भी होंगे, साथ ही साथ कई साल मुकदमा लड़ने के बाद आपका केस खारिज भी हो जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट है वो बिना सबूत के तो फैसला सुनाने वाला नहीं है। जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे तब तक तो कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाएगा, और जब आपके पास सबूत ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला क्यों दे देगा? कोर्ट तो ऐसे ही आपका केस खारिज कर देगा। तो आशा कर रहा हूं अब जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो आप समझ चुके होंगे और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा कर रहा हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।